होता है। एक दिल्ली का फैकल्टी का टीचर कर लिया तो कोर्स तो पैसा उसमें डूब चुका था। अच्छा, उस अभी का जनरेशन में जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा रहेगा नौकरी होगा, नहीं रहेगा नहीं होगा, कुछ भी कर ले वो। फिर आप पे हम बिलीव करके आंख मूंद कर पढ़े और आज हम जो भी हैं मैथ में आप ही का बदौलत है। और अभी हम वर्तमान में जो ग्रुप डी का एग्जाम दिए, कोई कुछ भी कहे हम खुद दिए 25 में मेरा 24 सही है। एक सवाल सिर्फ रियर केस में गलती हो गया, मतलब एंटर माने हड़बड़ी में। आप लोगों को एक विद्यार्थी मिलाते हैं और इस विद्यार्थी के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। पहले ये विद्यार्थी का सिलेबस अभी 2 महीना पहले कंप्लीट हुआ है और ये हमारे ऑनलाइन बैच के एक वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट है। ये क्लास मैसूर से ज्वाइन किए थे, मैसूर में पहले ये रहते थे, वहां से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए थे और उसके बाद पटना में आकर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किए। जो सिलेबस बचा हुआ था उसमें ऑफलाइन ज्वाइन किए और ज्वाइन करके और उसके बाद से ग्रुप डी जैसे एग्जाम में मैथ में 25 में 25 बनाकर आए हैं और इनका सिलेक्शन भी इस बार ग्रुप डी में एकदम हो ही जाएगा। अभी इनसे हमारी बात हुई थी तो प्लीज वेलकम मिस्टर अविनाश कुमार जो कि इस बार ग्रुप डी में सेलेक्ट होंगे। मैथ में 25 में 25 नंबर 25 में 25 बनाए हैं, ठीक है ना। वेलकम वेलकम अविनाश कुमार, आ जाइए, स्वागत है आपका। मेरा नाम अविनाश कुमार। तो अविनाश कुमार जी आप अपने बारे में बच्चों को आराम से बताइए, ठीक है ना। अपने जो ग्रुप डी के सिलेक्शन तक आप पहुंचे, कैसे पहुंचे, क्या क्या बाधाएं थी, कैसे कैसे कब निराश हुए, जब निराश होते थे तो क्या करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे, कितना दिन पढ़ाई किए, ये शुरू से थोड़ा सा बच्चों को बताइए और बच्चों को ये समझाइए कि कैसे ग्रुप डी और एनटीपीसी निकाला जा सकता है। आप भी निराश होते थे क्या? तो ये सारा क्वेश्चन जो है बच्चों को थोड़ा समझाना है ताकि इन लोग का कॉन्फिडेंस जो डाउन है ना वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो शुरुआत स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अविनाश कुमार है और मैं रेलवे अप्रेंटिस मैसूर से कर रहे थे। तो फिर हम मैथ के लिए एक सोचे क्लास करने के लिए, मैथ हमको आता नहीं था तो हम कैसे करें, तो बहुत सारे दोस्त लोग से और बात किए तो बोला कि टीचर के बारे में, बहुत सारा टीचर के बारे में बताएं। तो हम क्लास लिए तो फिर लिए तो वो कई फैकल्टी थे लेकिन हमको समझ में उनसे नहीं आ रहा था। जब वो सवाल बताते थे तो बाउंस होता था लेकिन फिर हम अपना दोस्त लोग से निराश हो गए कि कैसे होगा मैथ, कैसे बनेगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन कभी। तो फिर इधर वर्क भी करते थे मैसूर में तो फिर एक अपना फ्रेंड और भैया से बात किए तो फिर सर के बारे में हम जानकारी लिए कि सर कैसा है। तो बोले कि पटना का बेस्ट टीचर है इंजीनियर वी के गुप्ता सर। तो फिर इनका बारे में बोले कि यूट्यूब पर वीडियो देखिए, तो वीडियो देखे तो इनका भैया भैया क्या करते हैं वो जो आपको सजेस्ट किए? वो बैंक में भी जॉब करते हैं, अभी बुंदेलखंड में पोस्टिंग उनका है। अच्छा, बैंक पीओ है। हाँ, और बुंदेलखंड में उनका पोस्टिंग है, हुआ है। हाँ, पोस्टिंग है। अच्छा, वो यहाँ पढ़े हुए थे? यस सर, वो यहाँ पढ़े फिर वही हमको सलाह। अच्छा, अच्छा, तो क्या आपको बताया? वो बोले कि एक बार आप उनका यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, आपको कैसा लगता है, समझ में आता है कि नहीं आता है, तो हम आपका वीडियो खोले। तो देखे तो व्यू है ही नहीं था, तो फिर सोचे कि सही पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, डाउट भी और पैसा भी कॉस्टली 2600 रुपया देना उस समय। अच्छा अच्छा, तो 2600 पैसा था ये बाबू के साथ कि जैसे इनके भैया बताए जो बैंक पीओ में काम करते हैं और वो यहीं पे पढ़े हुए थे तो वो राय दिए तो ये यूट्यूब पे वीडियो देखे, तब वीडियो कम व्यू होने के वजह से इनको डाउट हुआ। फिर हम 3-4 बार देखे फिर सोचे कि खैर। अच्छा, इसके पहले जो दिल्ली के फैकल्टी से आप पढ़ते थे तो उनका व्यूज वगैरह ज्यादा था क्या? हाँ, व्यू ज्यादा था। अच्छा, व्यू ज्यादा था, व्यू ज्यादा था, देखकर कोर्स ले लिए। हाँ, यस सर, तो कोर्स लिए। कोर्स बाउंस करता था, समझ में उतना नहीं आता था। 5-6 दिन क्लास के सोचे कि अब शुरू से पढ़ना मैथ, तो 5-6 दिन किए तो हमको बाउंस करने लगा। फिर सोचे कि क्या करें, तो फिर हम भैया को फोन बोले और दोस्त लोग से भी बात किए, पटना के बहुत सारे दोस्त लोग है मेरा, तो बोले कि आप एक बार इंजीनियर वी के गुप्ता से पढ़ के देखिए कैसा, आंख मूंद कर विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए। तो बोले कि सही रहेंगे, तो बोला कि वो दोस्त बोले और भैया बोले कि आप यूट्यूब पर देखिए एक बार, उनका वीडियो त्रिकोणमिति का है, परसेंटेज का है और सब वीडियो है, देखिए। अच्छा, तो हम देखें तो त्रिकोणमिति का देखें तो हाइट एंड डिस्टेंस देखें तो उसमें उतना व्यू ही नहीं था। तो हम सोचे कि पैसा 2600 इन्वेस्ट करना है, सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो फिर हम सोचे कि नहीं, स्टूडेंट के लिए 2500 2600 का कोर्स लेना
और थोड़ा सा टफ होता है। एक दिल्ली का फैकल्टी का टीचर कर लिया तो कोर्स, तो पैसा उसमें डूब चुका था। अच्छा, उसमें ऑलरेडी डूब चुका था, तो आपके लिए और सोचने वाली बात हो गई थी। सोचने वाली चीज हो गया कि अब क्या करें, अब घर से उतना पैसा मिलता नहीं था, तो फिर हम ऑनलाइन थे, तो वो बोले थे, फिर हम 3-4 दिन सोचे और फिर हम डायरेक्ट सोचे कि जो होगा सो देखा जाएगा, वैसा ही पैसा डूब गया, इसमें पैसा डूब गया है। तो पैसा डूब गया है, तो फिर हम सोचे कि पैसा डूब गया है तो एक बार इसमें भी इन्वेस्ट कर देते हैं, तो पैसा आप में लगा और फिर हम क्लास किए तो हमको सफिशियंट लगा, तो लगा तो फिर हम पढ़े यहाँ तक, आपका टेस्ट में हम टॉप किए हैं सर। अच्छा, अच्छा। हाँ, अविनाश कुमार, ऑनलाइन स्टूडेंट, किए थे सर? हाँ हाँ किए थे, याद आ रहा है। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो आप बहुत सारा टेस्ट होता है, बहुत सारा बैच होता है, तो हमारे माइंड से थोड़ा सा उतर जाता है। यस सर, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, जब पहली बार आप पढ़ाई कर रहे थे, यस सर, तो जहाँ पहले पढ़ते थे तो जब मैथ नहीं बनता था, प्रॉब्लम होता था, तो निराश हताश होने लगे होंगे? हाँ सर, उसी का ना सोचते थे कि अब नौकरी होगा कि भी नहीं होगा। अच्छा, अभी का जनरेशन में ये जो है नौकरी होगा कि नहीं होगा इस पे भी डाउट करने लगे थे। अभी का जनरेशन में जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा रहेगा नौकरी होगा, नहीं रहेगा नहीं होगा, कुछ भी कर ले, वो जीके ब्रह्मांड पढ़ ले कोई फायदा नहीं है। मेरा दोस्त लोग एक से एक है जीके पढ़ने वाला, लेकिन किसी का बोले कि नौकरी हो जाए जीके पर, कभी नहीं होगा। फिर आपसे हम पढ़े साल 1.5 साल तक किए, फिर आपसे जब हम पटना आए तो तुरंत सर आपसे मिले, हम पर्सनल मिले। अच्छा, जब हम लोग का कोर्स लिए, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए, यस सर, थोड़ा सा हम भी जानना चाहते हैं, ये लोग भी जानना चाहते हैं सब लोग, तो पहला दिन कैसा फीलिंग हुआ, कैसे कैसे कोर्स बेसिक चला, ये सब? पैसा तो आपका तो डेमो क्लास मिलता नहीं है, पहले डेमो नहीं रहता है, जाहिर सी बात है, तो पैसा तो इन्वेस्ट कर चुके हैं, अब हम तो रिक्स पर खेले थे। हाँ हाँ। जब मतलब क्लास किए फर्स्ट दिन तो अच्छा लगा, 2 दिन और किए अच्छा लगा, 3 दिन और किए, फिर देखे कि अच्छा दिनों दिन और अच्छा हो रहा है, तो फिर आपका कभी कभी क्या होता था कि ऑनलाइन में कट जाता था, तो हमको दिक्कत होता था पढ़ने में, और सवाल डाउट हो जाता था तो पूछने में प्रॉब्लम होता था हमको, तो फिर हम कैसे कह रहे थे, फिर आपको हमेशा सर मैसेज करते थे कि हमको सर ये सवाल डाउट है, बताइए बताइए, आप कहते थे बताएंगे, जब हम टेस्ट दिए अच्छा नंबर आया तो आप खुद बोले हमको कि देखिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से जितना है आप उतना कॉपी पढ़िए और मेरे पे बिलीव कीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। तो फिर आप पे हम बिलीव करके आंख मूंद कर पढ़ें, और आज हम जो भी हैं मैथ में आप ही का बदौलत हैं, और अभी हम वर्तमान में जो ग्रुप डी का एग्जाम दिए, कोई कुछ भी कहे हम खुद दिए, 25 में मेरा 24 सही है, एक सवाल सिर्फ रियर केस में गलती हो गया, मतलब आंसर मारने हड़बड़ी में। अच्छा, लेकिन मतलब बनाने के लिए 25 में 25 हाँ बनाए, लेकिन आंसर मारने में गलत हो गया। हाँ, वो आंसर घर में बनाया तो 35 था। अच्छा अच्छा, अब हम जब देखे तो हमको कोई उपाय नहीं हुआ, लेकिन आपसे पढ़ के हमको मैथ सफिशियंट लगा, और जो आपका बात सुनेगा कोई भी चीज का रहे, मतलब साइंस रहे जीके रहे, जो आप कहते हैं उसको बात गौर करे और ध्यान से पढ़े तो उसको नौकरी होगा, और कंफर्म नौकरी होगा, क्यों नहीं होगा, नौकरी आदमी कोई ना होता है, ऑटोमेटिक चीज। अच्छा एक बात बताइए, जब आप पहले हतोत्साहित हो गए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तो बाद में जब आप जब हमारा ऑनलाइन क्लास करने लगे तो कॉन्फिडेंस आपका गेन होने लगा? कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हुआ, परसेंटेज पढ़ाए, नंबर सिस्टम पढ़ाए, CI पढ़ाए, सब लेवल अच्छा हुआ। Okay. उसी का आंसर तो एग्जाम में बैठते तो बनता है सवाल। Okay. आपका मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। Okay, आदमी अगर बिलीव ना करे अलग मैटर, लेकिन अच्छा है। Okay. और आंख मूंद के पढ़े, कुछ नहीं बाहर आता है, आप पढ़ के फाउंडेशन अच्छा से एक बार एग्जाम बैठिए और खुद अपने आप पर बिलीव होगा कि कहां से एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन, आप खुद मारिएगा। हम लोग का जो कंटेंट है, हम लोग का जो मटेरियल है, उसके बारे में बच्चों को बताइए कि क्या वो सफिशियंट है कि मोर देन सफिशियंट है, ये बताइए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसके लेवल का आता है कि उसके नीचे आता है, क्या होता है बताइए। एग्जाम में सर का कंटेंट और कॉपी, सर का जितना किताब में क्वेश्चन है सब ध्यान से उतने ही पढ़े, ज्यादा जरूरी नहीं पढ़ना है। सर का कंटेंट लो से हाई तक है, उससे बाहर नहीं पूछेगा। SSC का CGL का सर स्पेशलिस्ट टीचर है मैथ का, तो उससे बाहर कुछ सवाल पूछेगा नहीं, सर पूछ सकता है, पूछ नहीं आएगा, पूछ नहीं सकता है। और जितना इनका एक्सपीरियंस है, इतना लड़कन लोग नौकरी ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, तो कुछ तो बात है, तब तो ना है, तो बात होगा। और
एक बैच में इतना इतना एक बैच में कितने कितने लड़के होते हैं यहाँ पर लमसम 2000। हाँ, एक बैच में इतने 2000 नहीं, 2000 से थोड़ा कम, 1500 तो है। हाँ, 1500 2000 के बीच में है, बीच में होते हैं, मतलब सीट फुल चलता है। हाँ हाँ, ये कहना नहीं है कि मतलब खाली जाएगा। हाँ, एक भी सीट खाली नहीं रहता, बच्चे पढ़ते हैं, केवल नाम पे बच्चे आते हैं। हाँ, नाम पर। ऑफलाइन का बादशाह है ये तो कोई कहने चुके नहीं है, ऑनलाइन में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन का बादशाह अभी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑनलाइन में अभी सर जस्ट आए हैं, तो धीरे धीरे ऑनलाइन का भी बादशाह बन जाएंगे। बिल्कुल। यस सर। तो और बताइए, और ये बताइए बच्चों को। यस सर। ये तो हमारे बारे में बोले आप, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको हर चीज अच्छा लगा। बच्चों को ये बताइए कि इनको अगर ग्रुप डी या रेलवे अगर क्रैक करना है, रेलवे में क्रैक करना है तो रेलवे में दो पोस्ट होता है, एक नॉन टेक्निकल पोस्ट होता है जो NTPC, एक होता है टेक्निकल पोस्ट। तो NTPC नॉन टेक्निकल पोस्ट में खुद मैथ रीजनिंग पूछता 70, जिसका मैथ रीजनिंग होगा उसी का रिजल्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ग्रुप डी में भी है तो मैथ रीजनिंग 55 पूछता है, जिसका 55 मैथ रीजनिंग रहेगा उसी का रिजल्ट होगा। साइंस का लेवल अभी कहां से पूछा कोई पता ही नहीं है, साइंस कहां से पूछा पता ही नहीं चल रहा है। और आदमी साइंस पूरा पढ़ा है, बहुत सेट मारा, कहीं से नहीं मिला, बहुत सेट मारे साइंस में, बहुत अच्छा पढ़े, से भी सवाल अच्छा, साइंस वगैरह में कोचिंग भी किए थे क्या आप? यस सर, साइंस का सवाल मैक्सिमम 10 से 12 बना है, और उससे बेसी बनने जो को नहीं है, सिर्फ वो थ्योरी तरी दे रहा है। और मैथ का सवाल डिटो किताब से भिड़ा है, कॉन्सेप्ट कॉपी से दम टू कॉपी दम टू। आप बैठिए एग्जाम बैठिए और मारिए, इसके बाद देखिए, गुड, आपको खुद एहसास होगा। मान चलिए बहुत सारे लड़कन लोग का माइंड में आता होगा कि झूठ बोल रहा है, चाहे ऐसे बोल रहा होगा, तो आप फाउंडेशन पढ़िए, एग्जाम बहुत सारा भी देने वाले हैं, आप खुद दीजिएगा, देखिए कॉपी कहाँ से पूछ रहा है, खुद आपको पता चलेगा। फिर आप सीरियसली पढ़िए, आप फाउंडेशन करने के बाद से आप पढ़िएगा, जाइएगा तो एग्जाम दीजिएगा, तो खुद आपको कॉपी रिवीजन करके जाएंगे तो खुद पता चलेगा कहाँ से पूछा है। आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तब तो सर सॉल्यूशन निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब सॉल्यूशन का पता ही नहीं कि कॉन्सेप्ट मेरा परसेंटेज का सवाल आया है कि लाभ हानि का है, तो कहां से बनेगा। तो आप बिलीव करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उतना दिन से पढ़ रहे हैं सर, घर से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आज हम लोग 1.5 साल से पढ़ रहे हैं सर। बिल्कुल। जब भी पटना फर्स्ट बार आए तो आप ही से मिले। क्यों? लेकिन सर कुछ तो क्वालिटी है, कुछ क्वालिटी है, या फिर आपके भैया आपको शायद बोले होंगे तो आप अच्छा। हाँ, उसके बाद ऑनलाइन करते थे तो ऑनलाइन में भी आपको समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन ठीक है ना, ऑनलाइन में समझ में आ गया कि नहीं सर का क्वालिटी बेस्ट है। ऑनलाइन तो सर हम 8 महीना किए, मात्र 5-6 महीना तो ऑफलाइन किए हैं। हाँ हाँ, 8 महीना ऑनलाइन किए थे, 5-6 महीना ऑफलाइन किए थे, ऑफलाइन बाद में आकर ट्रांसफर करवाए थे। गुड। तो ये चीज थोड़ा सा हम चाहते हैं कि बच्चा लोग ये जानना चाहता है ना, कि जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे होते हैं जो कि ग्रुप डी और NTPC स्पेशल होते हैं, उनको ग्रुप डी और NTPC ही में जाना है, रेलवे में जाना है, तो रेलवे के लिए इन लोगों को थोड़ा मूल मंत्र बताइए कि कैसे ये लोग तैयारी कर रहे हैं। NTPC के लिए, ग्रुप डी के लिए आपको मैथ और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, फुल्ली नहीं आएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जीके का कोई नहीं, कहां से पूछे कोई माँ बाप नहीं है, क्योंकि जीके आप स्टैटिक पूछ रहा है, 2-3 साल पीछे का पूछ रहा है। अगर मैथ रीजनिंग में आपका अच्छा स्कोर करते हैं 50+, अगर ग्रुप डी में स्कोर मैथ रीजनिंग होता है और 15 मारते हैं इधर, क्या कहते हैं, साइंस और करेंट ऑन, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि मैथ में रीजनिंग में ना ज्यादा से ज्यादा करिए, मैथ में तो हमको लगता है 100% हो जाएगा स्कोर, रीजनिंग में भी हो ही जाएगा ठीक ठाक। आपको मैथ दम आना ही आना है, मैथ अगर स्पीड भी नहीं है, स्लो चल रहे हैं। अच्छा, जैसे कुछ बच्चों को, जैसे हम, अच्छा आप लोगों के बैच में भी तो बोलते ही होंगे कि कितना हूँ आप GS पढ़ लीजिए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन मैथ ही करवाएगा, तो आप ये बताइए कि क्या ये हमारा जो कहना है, आप लोगों के बैच में भी बोलते थे क्या? देखिए सर, तो बोलते थे ये, क्या ये गलत है कि सही है, इसके बारे में थोड़ा टिप्पणी कीजिए, बताइए। जस्ट मेरा एक फ्रेंड है रांची का, उनका NTPC में हुआ था, NTPT मेंस में हुआ। अच्छा, PT मेंस में, लेकिन उनका हल्का मैथ वीक था जिसके कारण मेरिट में छट चुके, नहीं हुआ SM में अभी। तो सर वही बोल रहे हैं ना, मैथ आपका प्लस पॉइंट है, आपका अगर 35 पूछता है NTPC में, 35 नंबर वो लाएगा, 35 रीजनिंग लाएगा, 70 नंबर,
तो कितना कटअप गया स्टेशन मास्टर का? 65 कटअप गया है। ये दोनों मिला के 35-35 70 आ गया। अगर कुछ गलत भी कीजिएगा तो मान लीजिए कि 60 ला दिए, 10-12 नंबर जीएस में ला दीजिए, 60 नंबर उधर ला दिए, 20 नंबर इधर ला दिए, 80 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी नंबर पे स्टेशन मास्टर बन जाइएगा, कंफर्म है। आप एनटीपीसी कटअप देख सकते हैं वर्तमान में जो भी दिया है, 65 गया है, 72 गया है जनरल का। बिल्कुल बिल्कुल, क्या गया आपका मैथ ही रीजनिंग ना सर है। मैथ रीजनिंग अगर जिस लड़का का मैथ कमजोर है वो मेहनत करे बन जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस जरूरी है। जितना कॉपी है हमको तो लगता है कि हम लोग जो मैथ यहाँ पे बताते हैं इतना जीरो लेवल से बेसिक में हम लोग इतना बता देते हैं। अच्छा बेसिक से कितना क्वेश्चन पूछा ये बताइए, कितना क्वेश्चन बेसिक से बना है? 7 से 8 क्वेश्चन था, केवल 7 से 8 क्वेश्चन बेसिक से बना है। 7 से 8 बेसिक था, 5 अलजेब्रा था, 1 परसेंटेज था, 1 CI था, 1 SI था और 1 पार्टनरशिप था, 2 टाइम एंड वर्क था, ओके, और 1 ट्रेन का सवाल था, और होगा याद नहीं आ रहा, लेकिन सब बनने जो सवाल था। कुछ नहीं है, सिर्फ देखिए आंसर मार, मतलब कंक्लूजन फास्ट रहेगा, देख के आंसर मारिए, ऐसा भी नहीं है। हमको तो लगता है कि जैसे आप टेस्ट भी एग्जाम देने के पहले हमारे पास टेस्ट भी कम दिए थे। हम मात्र 25-30 टेस्ट दिए थे, मतलब 25 नहीं, मेरे पास कितना टेस्ट दिए थे? तो वही 25 टेस्ट दिए थे बस, उसी का बेनिफिट मिला। हां अच्छा, अगर हमको लगता है कि अच्छा सीजीएल का क्वेश्चन बनता है कि नहीं आपसे? बनता है सर, सब बन जाता है सीजीएल का। जो डाउट देखिए, जितना बनता है बनता है, और नहीं बना मान चलिए तो आपसे पूछते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, क्यों नहीं बन रहा है हमको मालूम है सर। अगर हमको कॉन्सेप्ट कहीं छूट रहा है, यानी कि मेरे पास नॉलेज कम है, तो उसके लिए हम और फोकस करेंगे, तो क्यों नहीं बनेगा? बनता है सर, जैसा बनता है हम तो आपको। अच्छा एक चीज बताइए सर, जैसे टेस्ट जब नहीं आप दिए थे, टेस्ट जब दिए तो स्पीड कुछ बढ़ा क्या? बढ़ा, टेस्ट देने पे स्पीड बढ़ा, टेस्ट में क्या फायदा हुआ थोड़ा बताइए। देखिए सर, शुरू शुरू हम टेस्ट दिए आपके पास, तो हम तो फाउंडेशन पूरा पढ़ चुके थे, तो मेरा 14 नंबर 13 नंबर। अच्छा टेस्ट जब स्टार्ट किए थे तो 13 नंबर 14 नंबर आता था, 3-4 दिन बाद 16 नंबर, 3-4 टेस्ट के बाद 16 नंबर। देखिए आप लोग सुनिए, अब सीखिए, 10 दिन बाद 18-19, 10 दिन बाद 18-19, फिर बीच में 2-3 दिन बंद हो गया तो फिर घट गया। अच्छा अच्छा, तो फिर टेस्ट मानने लगे तो फिर 25-24 धर लिया, आने लगा, तो वही बेनिफिट हमको भी ग्रुप डी में मिला। ग्रुप डी में भी उसका बहुत बेनिफिट मिला। सेट बहुत जरूरी है, फाउंडेशन पढ़ना सही चीज है, लेकिन सेट से माइंड खुलता है। फाउंडेशन जब पढ़िएगा तभी तो पूरा नॉलेज रहेगा, और उसके बाद आप टेस्ट मारिएगा तो स्पीड आ जाएगा, कैसे अप्लाई करना उस थ्योरम को, कांसेप्ट को। आप कुछ मत कीजिए, सर जितना पढ़ाते हैं, जैसे सर चालू किया परसेंटेज, तो परसेंटेज का सवाल अगर सर 10 करवाए तो 10 सवाल को पूरा बनाइए, 4 बार 5 बार बनाइए को। अच्छा कॉपी को जो हम नोट्स पढ़ाए हैं उसको कितना बार रिवीजन करना चाहिए? हम तो जानते हैं, हम तो बोलते हैं कि भाई इतना रिवीजन करिए, आपके बीच में बोलते थे। आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हमको अलजेब्रा चैप्टर है तो खत्म, तो खत्म, कहीं से सवाल पूछे तो बन जाए तो तब मतलब क्लियर। अगर नहीं डाउट हो रहा है तो मेरे हमको डाउट अभी है तो रिविजन चाहिए हमको, कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ तो उसको और रिविजिंग करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार। अगर मान चाहिए भूल गए तो आप हैं तो आप पूछिए, आइए ऑफिस में पूछिए, ऑफिस में पूछिए, चाहे कहीं। अच्छा ऑफिस में आप आते हैं तो हम बताते हैं कि नहीं, ये थोड़ा बताइए। यस सर, क्यों नहीं, हम आज ही सवाल पूछने आए सीजल का, है ना? हाँ बताया सर, बिल्कुल अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हर तरह से गाइड किया जाता है, ऐसे ही बोलते हैं कि मैथ का पटना का भी वर्तमान में ऑफलाइन का बादशाह है और बेस्ट फैकल्टी है, आप कहीं पूछ लीजिए पूरा। अच्छा दिल्ली के टीचर से और पटना के टीचर में, यानी हमारे से टीचर से कंपैरिजन किया जाए तो क्या क्या डिफरेंस है, कौन कहाँ पे बेटर है, कहाँ पे कौन वीक है, थोड़ा सा ये चीज समझाइए। दिल्ली का टीचर में वो हाई लेवल लेकर चलते हैं, वो जब तक लड़का का मतलब बेस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो वहाँ, माने एक बार कोई पढ़ लिया तो वहाँ पढ़ सकता है। जैसे बिगिनर के लिए कैसा रहेगा, बिगिनर के लिए सही रहेगा? नहीं बिगिनर के लिए सही नहीं है, बिगिनर के लिए सही नहीं है, नहीं नहीं बिगिनर के लिए सही नहीं है। ये देखिए आप में और दिल्ली का टीचर में यह अंतर है कि दिल्ली का टीचर हाई लेवल लेके चलता है, किसी को समझ में आया नहीं आया उतना वो टाइम नहीं देता है, लेकिन आप में क्या है कि जीरो से हाई है, तो मतलब हम तो जब तक आदमी को परसेंटेज का मान लीजिए 5%, पता नहीं 5% कितना होता है तो कैसे बनाएगा वो। अब रटवा देने से थोड़ी ना काम चलेगा, नहीं ना होता वैसे, नहीं होगा। अब गुना है तो 24×2 है तो कितना है पता नहीं, तो कैसे करेगा वो। तो वही चीज सब सोच समझ के चलना पड़ता है आपका। और दूसरा बात देखिए सर, हम लोग गांव का आदमी है तो हम लोग गांव का भाषा समझते हैं, जाहिर से बात है, जितना हम लोग से
ये सब क्षेत्रीय भाषा बोलिएगा तो ज्यादा समय में आएगा, ज्यादा समझ वो सब आता है, अपना टाइम से आया, एक घंटा पढ़ाया, चल दिया, तो उससे क्या आएगा समझ में? आदमी थोड़ा सा चाहिए ना सर, तो वही वही चीज है, आपका बेस्ट है और उनसे अच्छा है कि आप जीरो से हाई चलते हैं। अच्छा, आपका नंबर और हाई लेवल में हम लोग का क्या बोलना चाहते हैं, हाई लेवल में क्या उनसे कम है कि ज्यादा है, सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा वो है, बहुत ज्यादा हाई लेवल में भी कमी नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, आप राकेश यादव की किताब उठा के देखिए, गगन प्रताप की उठा के देखिए, कितना बैंक पीओ का सवाल पूछा है हमको, दिखाइए मटेरियल में। बैंक पीओ का वो लोग नहीं क्वेश्चन कराते हैं, नहीं कराते हैं, वो सब सिर्फ सीजीएल सीजीएल सीपीओ कराते हैं, सीपीओ कराते हैं। अच्छा, हमारे मटेरियल में किस तरह का क्वेश्चन होगा? आपका में सब मिक्स रहता है, सब मिक्स रहेगा, बैंक पीओ का भी एक से एक बढ़िया क्वेश्चन होता है। आप नहीं पढ़ाते हैं तो मेरा दोस्त कैसे बैंक निकलता? हाँ, सही बात है। हाँ, वो भी तो नहीं है कि कहीं और पढ़ा है। नहीं, हम तो जानते ही हैं, हमको तो सब पता है, वो एक लाइन में बोला, लेकिन हम अगर जैसे ही लोगों को बोलते हैं तो हमारे बच्चे को ये लगेगा कि सर अपना जो है केवल तारीफ करते हैं, हालांकि तारीफ पॉइंट मेरा नहीं होता है, मेरा होता है कि आप विश्वास करके पढ़िए जो हम बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो हो सकता है कम विश्वास होगा, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई सिलेक्टेड बच्चा है वो आके बोलता है तब उन लोगों को समझ में आएगा कि नहीं रियलिटी क्या है। देखिए, मेरा दोस्त बोला तो हमको खुद बिलीव नहीं था, तुम क्या कहें, लेकिन वही हम बात पढ़े। जैसे आपको बिलीव नहीं था, वैसे नए बच्चे, जब मेरा होगा, जब हम यहाँ आएंगे, हाँ हाँ, तो आप ही का नाम लेंगे सर, जिससे हम पढ़े उन्हीं का नाम लेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, जाहिर से बात है, आप हमको गाइडेंस किए, ऐसा नहीं था बहुत सारा टीचर नहीं है पटना पढ़ने वाला। हम भी चाहते थे हटाओ ऑनलाइन कर लिए, क्या जरूरी है फिर करना ऑनलाइन, नया टीचर धर लेते ऑफलाइन का, तो लेकिन हमको जचा आपसे, सफिशिएंट लगा हमको, इसी का आपके पास पढ़े, आपसे हम इतना करीब रहते हैं। जी जी, और आँख मून के पढ़े, कुछ दुनिया कुछ। अच्छा, अभी अभी जैसे बात हुआ था तो आप बताए कि सीजीएल जो टारगेट बैच हम लोग का चल रहा है वो भी आप ज्वाइन किए हैं? यस सर। तो उससे क्या बेनिफिट हो रहा है और किस लेवल का क्वेश्चन लग रहा है? वो लेवल मेंस लेवल का है, उससे बाहर सीजीएल में नहीं आएगा, वो काफी है, कॉन्सेप्ट सब एक ही रहता है। बिल्कुल, उससे क्या है, अब क्वेश्चन अब कहे हाँ, तो ट्विस्ट पर करके उसमें दिया हुआ अब है। वही चीज, अब हु बहु कहेगा क्वेश्चन टकर जाए तो ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट तो, रखिए आपको हाँ। बनेगा, सब क्वेश्चन टॉप नहीं रहता है, एक से दो क्वेश्चन सिर्फ टॉप रहता है एग्जाम एक दो ही टफ आता है, और वही आपको माइंड को डाइवर्ट करेगा। हमको तो लग रहा है कि जितना अपने बैच में हम करवाते हैं परसेंटेज में, याद है आपको 650 क्वेश्चन, 650 क्वेश्चन करने। अच्छा, उस लेवल का क्वेश्चन किसी एग्जाम में मिलता है? उस लेवल का क्वेश्चन रेलवे में पूछ भी नहीं। अच्छा, किसी टीचर के भी मटेरियल में होगा? दिल्ली से लेकर नहीं, दिल्ली से लेकर यूपी से लेकर बिहार तक में किसी टीचर का मटेरियल में? देखिए, जो लेवल लेवल की बात कर रहे, जीरो से एकदम लेवल हाई लेवल है, आपके और अदर में क्या अंतर है मटेरियल में? आपका एक मटेरियल हूबहू क्वेश्चन टकरता है, मतलब खाली डिजिट चेंज रहता है लेकिन क्वेश्चन हूबहू रहता है, हूबहू आता है। इसीलिए तो देखिए, इसीलिए हम बोलते हैं, जब वहाँ पढ़िएगा तो किताब बनाइएगा तो लगेगा कि अच्छा, यही क्वेश्चन है। अच्छा, यही क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज हम बैच में बोलते थे कि अदर जितने भी फैकल्टी लोग होते हैं, सब लोग ऐसे अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन अदर फैकल्टी जो लोग होते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है उसको पढ़ाते हैं, हम जो है जो हम पढ़ाते हैं वो एग्जाम में पूछता है, ये बात बोलते थे कि नहीं बोलते थे? इसके बारे में आप बताइए, क्या ये सही है कि गलत है? खुद हम बता रहे हैं, ज्योमेट्री का सवाल आपका, एंगल बाय सेक्टर का सवाल डिटो भिड़ा है, डिटो आया, डिटो वही आंसर वही सब चीज था। अच्छा अच्छा, जो एग्जाम्पल आप करवाए हमको आंसर याद मार रही है, आंसर याद हमारे दिए सॉल्व क्या करना है बताइए। वेरी गुड, वेरी वही चीज आप पे आंख मुन के पढ़े, ज्यादा जरूरी नहीं है कि ऐसे कि उस सर का पढ़ाए, उस कोई नहीं, जितना पढ़ाए कॉपी को पढ़िए, किताब को बनाइए चार बार पांच बार हो जाएगा, और रेलवे का भी वैकेंसी देने वाले हैं 2 लाख। हाँ, इसके बारे में बताइए कि वैकेंसी वगैरह अभी कितना आ रहा है, और ये लोगों थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए ताकि लोग मन से पढ़े, ठीक है ना? रेलवे का वैकेंसी आपका 2 लाख देने वाला है, जिसमें से जनवरी या फरवरी में आपका असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का 50,000 आने वाला है, उसके बाद जस्ट ग्रुप डी 70,000 आने वाला है, उसके बाद जस्ट आरपीएफ 10,000 आने वाला है, उसके जस्ट बाद जेई आने वाला है, उसके बाद फिर एनटीपीसी, फिर ग्रुप डी, यानी 2 लाख देना उसको है। आराम से मैथ रीजनिंग और साइंस तीन चीज को पढ़े, मैथ रीजनिंग तो पूरा
स्कूल में अच्छा से पढ़ें और अच्छा नंबर लाएं, हो जाएगा। इस बार नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हुआ, ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं रेलवे में आएगा। अच्छा, अब ऐसा मौका नहीं आएगा दोबारा? नहीं आएगा। फिर चार मतलब 2 लाख वैकेंसी आने वाला है? आने वाला एकदम श्योर। जनवरी आपको हम यहाँ तक बोल रहे हैं स्टेज पर, जनवरी लास्ट तक ड्राइवर देने वाला है 100%। जनवरी इस जनवरी तक? हाँ, जनवरी लास्ट तक। सुन लीजिए, ड्राइवर का वैकेंसी आने वाला है। आप गौर खुद कीजिए, 2014 में ड्राइवर दिया था, होल्ड किया, 16 में NTPC दिया, होल्ड किया, 18 में दिया था, 4 साल गैप हुआ, हुआ ना, 60,000 दिया ड्राइवर। अभी 2022 हो गया तो 4 साल फिर गैप किया है, तो 5वां साल कौन ड्राइवर ने रहे सर। अब 2024 का इलेक्शन भी है, मोदी बाबू वोट चाहिए ना। सबसे बड़ा चीज तो इलेक्शन है, इलेक्शन है और टाइम भी हो गया है। अब 5 साल से ड्राइवर दिया नहीं है, ड्राइवर का कभी भी वैकेंसी आएगा तो 50,000 से कम नहीं जाएगा। ड्राइवर टेक्निशियन मिला के 50,000 वैकेंसी कहलाता है। 50,000 बहुत बड़ा वैकेंसी होता है, आपका आराम से हो जाएगा। और रेलवे में 50,000 केवल ड्राइवर देगा? ड्राइवर, इसके अलावा और सब? ग्रुप डी 60,000 से 70,000 रहेगा। ग्रुप डी 60,000 से 70,000, 10,000 RPF, सब 10,000 RPF, सब मिला के 2 लाख केवल रेलवे। हाँ, 2 लाख ले लेगा। हमको भी ये न्यूज पता चला है, लेकिन देखिए इनको भी पता है पहले से, तो ये बता रहे हैं चूंकि ये एक होनहार और सीरियस स्टूडेंट है, तो ये हर चीज आपको बता रहे हैं। और रेलवे के बारे में हम लोग ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है, क्योंकि हम लोग रेलवे में वर्क किए हैं, तो हम लोग को वहाँ डिवीजन में सब पता रहता है ना कहाँ से क्या आ रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है। तो हम लोग का दोस्त लोग भी है, तो अभी ड्राइवर का और ग्रुप डी का RPF का 3 वैकेंसी अपकमिंग में है। जनवरी ड्राइवर रहेगा, जनवरी या फरवरी, और मार्च में रहेगा RPF और ग्रुप डी। नहीं हुआ तो जो कहिए से मान लेंगे, एकदम कंफर्म बता रहे सर। कंफर्म बता रहे हैं? देखिए एकदम कंफर्म आप लोगों को बता दिए, अभी से तैयारी में लग जाइए सब लोग। देखिए सर, अभी से एकदम अच्छे से पढ़िए। SSC वैकेंसी दे चुका, SSC दे चुका, बैंक दे चुका, रेलवे दिया नहीं ना, नहीं दिया है, 4 साल से होल्ड किया है, तो मोदी बाबू के वोट चाहना चाहिए तो कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? रेलवे का चाहिए ना पूरा, रेलवे का लेकिन है। सही बोले, ये भी आपका कि देखिए मतलब SSC में इतना बड़ा वैकेंसी दे दिया, बैंक दे दिया, दे दिया, रेलवे, रेलवे नहीं दिया, तो रेलवे भी इसका मतलब देने ही वाला है। रेलवे जब देगा तो सबको उड़ा देगा। अच्छा, रेलवे देगा तो इतना। देखिए 14 में वैकेंसी दिया था तो आदमी सोचेगा वैकेंसी अब रेलवे में बंद हो जाएगा, ऐसे वैसे नहीं जाएगा। 18 आया, 18-19 मिला के 3 लाख वैकेंसी हम जोड़ाते हैं, सारा मेकअप कर दिया, 3 लाख जोड़ाते हैं। 66,000 ड्राइवर, 62,000 ग्रुप डी, कितना हुआ 1,68,000, कितना हुआ 1,28,000, 62,000 ग्रुप डी, 10,000 RPF, 10,000 RPF, 1,38,000, 2,500 SI, 2,000 को मान लीजिए 1,40,000, 15,000 JEE, 55,000, 5,000 पैरामाउंट, पैरामेडिकल, 5,000, हाँ 5,000, तो हो गया 1,60,000, 1,00,000 ग्रुप डी, 1,03,000, 1,03,000 जोड़िए जी, कितना हुआ 1,60,000, तो हो गया 2,60,000, 35,000 NTPC, 2,65,000, 35,000 NTPC, 35,000 ये हो गया तो 3,00,000। हाँ जी, 3,00,000 दिया के नहीं, एकदम ये तो प्रूफ है एकदम, 3,00,000 का, 3,00,000 वैकेंसी रेलवे का। हम वो नहीं बोल रहे, फिर रेलवे में 3,00,000 देगा वैकेंसी, फिर 3,00,000 देगा, देगा, क्योंकि ड्राइवर 4 साल का मतलब ड्राइवर 60,000, अच्छा 2 साल में 30,000, तो 4 साल में 60,000। अच्छा, ग्रुप डी या NTPC इतना वैकेंसी देगा, अभी देने वाला है, तो इसमें क्या केवल मैथ और रीजनिंग बढ़िया से पढ़ लिया जाए, नौकरी, नौकरी हो जाएगा कंफर्म, कंफर्म। और साइंस, इधर आ जाइए थोड़ा सा, साइंस के लिए आप NCERT बुक पढ़िए, हम लोग दोस्त लोग साइंस के लिए NCERT पढ़ लीजिए। और लेकिन देखिए कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, साइंस GS को भी थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है, लेकिन हमको भी लग रहा है कि पूरा स्पेशल फोकस मैथ और रीजनिंग पे रहिए, खास कर आप मैथ रीजनिंग कीजिए। मैथ और रीजनिंग में 95% अगर पढ़िएगा तो आ जाएगा, 100% भी नंबर आ जाएगा। बहुत सारा बच्चा अभी कल ही परसों आया था CGL में, एक लड़का मतलब 200 में 192 नंबर, 197 ला रहा है, 25 में 25 MTS में लड़का आया है, उसका YouTube पे भी वीडियो हम डाले हुए थे, तो हमको लगता है इसमें तो आ ही जाएगा। आप मैथ रीजनिंग में फुल नंबर लाइए, फुल नहीं तो 95% लाइए, और साइंस में एवरेज नंबर आ गया, नौकरी हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या कि साइंस में फुल आ जाए? साइंस में कभी असंभव। आप मैथ में रीजनिंग में थोड़ा कम भी आ जाए तो हो जाएगा नौकरी? साइंस में असंभव, 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 फुल नहीं आएगा कभी नहीं, क्योंकि पहले रेलवे के एग्जाम करता था RRB, लेकिन अब RRB नहीं करती, TCS कराती है। TCS करवाती है, ऑनलाइन का मास्टर वो है, वो जानता है कि सब लड़कन लुसेंट
अच्छा, ये सब रट लिया है तो इसी कारण इस बार चेंज कर दिया साइंस, इस बार जो एनसीईआरटी दे दिया। हाँ सही बोले, जब से टीसीएस, जब से देखिए जब से टीसीएस एग्जाम ले रही है उस समय से ना एग्जाम के पैटर्न में क्वेश्चन का लेवल में ड्रास्टिक चेंजेस है। तो हमको लगता है कि वो सोच के ये करता होगा कि जीएस ये लड़का पढ़ रहा है तो जानबूझ के ट्विस्ट करके इधर से देता होगा, ये पढ़िएगा तो उधर से दे देगा। अगर ड्राइवर असिस्टेंट लोग को पायलट ही है तो उसका नंबर मैक्सिमम 70 नंबर, अगर 55 को में 50 को मैथ रेजिंग मार दिया और 15 और मार दिया क्या कहते हैं साइंस, उसका नौकरी रखा हुआ है, वो 60 नंबर ला देगा ना, 50 को खाली मैथ सही रहना चाहिए बस और रीजनिंग। हमसे मिले उनसे मिलेगा, इनका नंबर हम दे देंगे ठीक है ना, कितना नंबर मोबाइल नंबर सर, नहीं नहीं नंबर नहीं 60 नंबर मैथ रीजनिंग में आ गया। हाँ 60 से 65 के बीच में असिस्टेंट लोग को पायलट का कटअप जाएगा, उससे बेसी नहीं जाएगा, 60 से 65 से ज्यादा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और पीटी में मैक्सिमम जाएगा 35 नंबर जाएगा, 35 नंबर हाँ 75 में हाँ। अच्छा। लेकिन मैथ रीजनिंग होना चाहिए, मैथ रीजनिंग होना चाहिए। अगर वो चाहेगा साइंस पढ़ के मार ले असंभव नहीं, साइंस असंभव है, हो सकता है कि रिएक्शन ही पूछ दे पूरा, रिएक्शन ही पूछ दे, कैसे बनाइएगा आईएससी का सवाल बना लेगा वो, नहीं ना बनाएगा, इसलिए मैथ रीजनिंग मारिए और नौकरी लेके शांत रहिए बस। अभी जनरेशन मैथ तो रीजनिंग देखिए, मैथ और रीजनिंग मारिए, इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हमको भी नहीं पता था कि आपको इतना एक्सपीरियंस है कि बोल रहे हैं कि ये जो है फुली डेडिकेटेड रेलवे के स्टूडेंट है, लगता है ना कि रेलवे ही इनका मंदिर है। Yes, रेलवे का ही पूजा करते हैं क्या? Yes, जी यस yes, सर, रेलवे में ही जॉब करना है, रेलवे में ही जॉब इनको करना है, तो रेलवे का एकदम ये देख रहे हैं, रेलवे का पूरा हिस्ट्री इनको पता है, पूरा डाटा बाई डाटा इनको याद है सब चीज, हमको भी याद है, लेकिन हमको उतना बढ़िया से याद नहीं है जितना बढ़िया से इनको याद है। हम तो मैथ दिन भर पढ़ाते रहते हैं तो वैकेंसी काउंट नहीं करते हैं, आइए तो वैकेंसी तक काउंट करके रखे हुए हैं, इसी से आप लोग अनुमान लगा लीजिए। तो ये रेलवे के लिए महामंत्र है, गुरु मंत्र है कि अच्छे से मैथ और रीजनिंग आप बनाइए 60-65 नंबर और नौकरी पाइए क्या जी। हाँ, बाकी साइंस को एवरेज बना के चलिए ताकि उसमें भी कुछ क्वेश्चन बन जाए। साइंस सबको जितना आएगा उतना आपको भी आएगा, एक लिमिट साइंस है, साइंस में खूब भी पढ़िएगा तो 2-4 नंबर ज्यादा बनेगा और नहीं भी पढ़िएगा तो भी एवरेज बन ही जाएगा। बस शर्तें हैं, देखिए 2019 का 18 का एग्जाम रेलवे लिया तो साइंस में फिजिक्स से नहीं पूछता था, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, इस बार क्या किया कि डाल दिया लेंस और इलेक्ट्रिसिटी से। अच्छा, इस बार लेंस का फॉर्मूला पूछा था क्या? हमको कोई लड़का के बोल रहा था कल या परसों, फॉर्मूला नहीं, वो न्यूमेरिकल ऐसा दे रहा है ना कि एक पेज में बनेगा। अच्छा। तो जानबूझ के दे रहा है कि न्यूमेरिकल ऐसा ऐसा दे रहा है कि जो नहीं बन रहा है, फॉर्मूला नहीं दे रहा, न्यूमेरिकल दे रहा, वो न्यूमेरिकल दे रहा है, कभी पूछ में नहीं किया है, कभी पूछ में सब पढ़ के लुसेंट गया है तो लुसेंट में न्यूमेरिकल देता है, नहीं ना सर, लुसेंट में तो न्यूमेरिकल देता नहीं। तो आप तो कोचिंग भी किए थे साइंस वगैरह का, हमको हम सुने कि आप माने वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी से जहां जहां हो सकता आप पढ़े। कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आप अपने सेल्फ स्टडी साइंस में कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए बस, उस सब वो सब क्या करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बार रेलवे में नहीं पूछा, प्रीवियस ईयर पूछा ही नहीं, नहीं पूछा, सब लेगन छट गया, जाहिर सी बात है। और जिसका खुद हम बता रहे हैं, मेरा ही भाई है वो, मतलब अच्छे हैं वो, मैथ रीजनिंग में अच्छा उनका स्कोर हुआ है और रिजल्ट हो गया एनटीपीसी में, एनटीपीसी में हो गया, उनको जीके नहीं आता है, जीके आप पूछिएगा तो हल्का फुल्का खाली करंट जानते हैं, बाकी नहीं जानते जीके, लेकिन मैथ रीजनिंग स्ट्रांग है, नौकरी हो गया। हाँ मैथ रीजनिंग में, मैथ रीजनिंग प्लस मैथ रीजनिंग में जो है ना, इधर आ जाइए कैमरा, मैथ ऑनलाइन बच्चे भी हैं, ये लोग भी हैं ठीक है ना, ऑफलाइन तो है ही ऑनलाइन भी है, तो वो लोग भी देखेंगे आपको। मैथ रीजनिंग में फुली नंबर लाइए, नौकरी हो जाएगा, एकदम कंफर्म, कुछ ना कुछ नौकरी हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहे कि सब मतलब बड़ा पोस्ट है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। अभी रेलवे देखिए, हम भी बैच में, भले आज हम आपके मुंह से सुन रहे हैं, यस सर, इसलिए कि हम आपके मुंह से सुनना चाह भी रहे थे, लेकिन आप लोग के बैच में या इलो के बैच में भी या हर बैच में ये चीज हम बताते रहते थे, आपके बैच में भी बहुत बार बोलते थे कि जिसका मैथ स्ट्रांग है ना वो बिहार दरोगा भी क्रैक करेगा। यस सर, भले वो अलग बात है कि बिहार दरोगा मेंस में 25 को आएगा मैथ, लेकिन 25 को नंबर ना 25 में जब 25 सही होगा ना तो लीड दिला देगा लास्ट में, आ क्योंकि जीएस एवरेज भी रहेगा तो जीएस सबको ही बनाएगा, लेकिन मैथ सबको ही नहीं बना सकता है, मैथ जो पढ़ा रहेगा ना सही से वही मैथ बनाएगा। यस सर, ये बात रेलवे में भी लागू होता है कि भाई
आप कितना हूँ साइंस पढ़ लीजिए, जीएस पढ़ लीजिए, वहां 100% नहीं करेंगे। और जो लड़का मैथ पूरा बढ़िया से पढ़ के जाएगा, वो ऐसा तो है नहीं कि जीएस नहीं पढ़ेगा, साइंस नहीं पढ़ेगा, वो पढ़ेगा तो वहां भी एवरेज स्कोर करेगा। आप मैथ में रीजनिंग में लीड कर देगा, एक दो नंबर से भी लीड कर देगा तो मेरिट में उसका जगह बन जाएगा। छपरा के, छपरा कहीं अमन नाम है। अच्छा, मतलब हुआ है। अच्छा, मतलब किसमें हुआ उनका? रेलवे में हुआ है, लेकिन वो वेटिंग में हुआ है। अब उनका रियल कहानी सुनिए। अच्छा, जीके का उसको बाप बोलता था, जीके कहीं से पूछते हैं क्लूज से। अच्छा, उस लड़के को आप लोग जीके का बाप नाम रख लिए थे। हाँ, मतलब जीके जिस दिन पूछ देते हैं, हाँ, उस दिन कोई उसके सामने टक्कर नहीं ले पाता सेट में, कोई टक्कर नहीं, कोई नहीं। और मैथ आर एस अगर आता है ना, उसका पूरा आंसर याद कर लिया था। आर एस अगर पूरा आंसर, अगर क्वेश्चन देते तो आंसर मारता, अब वो सोल्यूशन नहीं करता। अच्छा, लेकिन खुद भगवान उन पर मतलब अच्छा थे, मेहरबान थे कि 2014 में उनका वेटिंग हुआ चेन्नई बोर्ड में, आरआरबी चेन्नई, चेन्नई में वेटिंग हुआ, वेटिंग हुआ, ज्वाइनिंग नहीं करवाया बेचारा। 2018 में वैकेंसी आया, वो लड़का जीके में इतना स्ट्रांग होने के बाद भी वो लड़का क्वालिफाई नहीं कर पाया, मैथ में नंबर ही नहीं आया, मात्र 25 नंबर, अनक्वालिफाइड। 18 में एग्जाम जो हुआ वो तो टीसीएस कंडक्ट की थी ना, तो उसी कारण तो चेंज हुआ ना, टीसीएस कंडक्ट की थी तो वो तो आरएस अग्रवाल से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, नहीं वो तो भाई अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। आज से 2016 से पहले रेलवे में जीके पूछता था मैथ नहीं, लेकिन अब मैथ पूछता है, जीके हटा दिया, दिमाग का तेज बन गया वो। अच्छा, पहले जीके पूछता था मैथ नहीं, अब मैथ। पहले एसपीडी लुसेंट पढ़िए, नौकरी लीजिए रेलवे में, लेकिन अब बिना मैथ रीजनिंग का नौकरी नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा। और जो बोलता है कि बिना मैथ रीजनिंग का नौकरी रेलवे में लेके दिखा देंगे, हमको लाइए मेरे पास। अच्छा, अच्छा, ऐसा कोई लड़का अगर आएगा, हाँ, तो हम आपको, हाँ, लेकिन आपको कांटेक्ट नहीं मारना चाहिए। वो खाली खाली कहे कि जीके पर हम नौकरी लिए हैं, साइंस पे लिए हैं। साइंस पे तो असंभव है, ये तो हमको भी पता है, साइंस या जीके जीएस पढ़ के जॉब ले लेना इम्पॉसिबल है। 55 मैथ रीजनिंग पूछता है, साइंस और करंट मिला के 45 पूछता है, 45 मार देगा वो, कभी नहीं मार पाएगा, कभी नहीं मार पाएगा। मैक्सिमम मारेगा 25-30 मारेगा वो मैक्सिमम। आपका जो अनुभव एकदम पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। मेरा रेलवे का ज्यादा अनुभव है, एसएससी और बैंक का हम अनुभव इतना नहीं शेयर कर सकते, लेकिन रेलवे का जो चीज बोलेंगे वही होगा, जो आप बोलेंगे वही होगा। आप देखिएगा, ड्राइवर का वैकेंसी जनवरी में देगा। वाह, क्या बात है, देगा। एक बार आपके लिए हम क्लैप कर देते हैं, ठीक है ना? आप देखिएगा, नहीं नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, ठीक है ना? और हम भी देखते हैं कि आपका बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। बस हम आपके मुंह से इसलिए सुनना चाह रहे हैं कि ये लोग सुनेंगे तो इनको थोड़ा ज्यादा भरोसा होगा। हम तो बोलते रहते हैं, हमेशा समझाते हैं, हमारे बात पे ये लोग भरोसा ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आपके कहने के बाद क्या होगा कि ये स्टूडेंट का एक होता ना कि आप पे ज्यादा भरोसा करेंगे। दूसरा प्लस पॉइंट अभी इसलिए फायदा है कि रिक्वायरमेंट सब विभाग का खुल चुका है। अच्छा अच्छा, एसएससी का लड़का ना तो एसएससी में घुसेगा बहुत सारा, हाँ हाँ, बहुत सारा एनटीपीसी ज्वाइनिंग करेगा भी, बहुत सारा ग्रुप भी ज्वाइनिंग करेगा, बहुत सारा बैंक में घुसेगा भी, वैकेंसी सब दिया हुआ है, डिफेंस देने वाला है, रेलवे देने वाला है, तो सब लेकर बट गया तो थोड़ा अगर मीडियम भी लेकर रहेगा वो, अगर अच्छा से तैयारी करेगा 6-7 महीना 8 महीना तो उसका नौकरी हो जाएगा। मतलब ये भी बोल रहे हैं कि 2023 का रेलवे का वैकेंसी 2024 मार्च तक ज्वाइनिंग कराएगा, ये भी बोल दे रहे हैं, हम कंफर्म बता। अच्छा, 2023 का जो वैकेंसी आने वाला है उसमें 24 में ज्वाइनिंग करा देगा, 24 मार्च तक ज्वाइनिंग करेगा, ये खुद अश्नवी वैष्णव खुद बोले हैं। अच्छा, पहले अच्छा। जमाना चेंज हो गया, अश्नवी बोले हैं, हाँ बोले हैं। तो हम लोग जो रेल मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर, वो इस बात को बोले हैं, खुद बोले हैं, और वो खुद बोले 2 लाख। अच्छा, 2 लाख बोले हैं, बोले। अच्छा, वो जो बोल, देखिए अभी जो बोल रहे हैं वो लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का भी टाइम है। और हम एक लाइन में बोलते हैं, सब विभाग का वैकेंसी मिल चुका, रेलवे को कहाँ मिला? हाँ, रेलवे को लेकिन कहाँ गया? बिल्कुल, मोदी जी के वोट 10 लाख लेना तो रेलवे की वैकेंसी दिखाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रेलवे में तो ज्यादा लोग हैं, बस ज्यादा कैंडिडेट तो रेलवे में ही है। बिलीव नहीं होता है तो 18 का पेपर उठा के जनवरी और फरवरी के हिंदुस्तान चाहे कोई भी, और देखिए एक पेज में खुद मोदी जी लिखे है कि सबका विकास सबका साथ, रेलवे में 3 लाख रोजगार, खुद लिखा होगा, आप देख सकते हैं। कब का पेपर? 2018 का पेपर देखिए आप उठा के, 2018 का जनवरी फरवरी में। अब अभी का पेपर, अभी तो ये तो 2022 चल रहा है, तो अभी आपका जनवरी, कभी भी रेलवे का रिक्वायरमेंट जनवरी में आता है। हाँ, तो दिसंबर लास्ट हो रहा है, तो 1/2023 रहेगा। अच्छा, आने वाला है। अब फर्स्ट वैकेंसी असिस्टेंट लोको पायलट है, सेकंड ग्रुप डी है, थर्ड आरपी है, 4 JEE है, 5 में NTPC, 6 में ग्रुप डी, फिर वैकेंसी होल्ड होगा। वाह,
यही चीज है। चलिए गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और बस आंख मुन के लड़का अभी 6-8 महीना तैयारी करे। अच्छा, जो हम आपको मार्गदर्शन दिए उससे फायदा एकदम हुआ बढ़िया से, उससे बाहर सोचना ही नहीं है। बस आंख मुन के पढ़े, वो ज्यादा दिमाग मत लगा, सिर्फ 8 हमको लगता है कि जानते हैं सिलेक्शन नहीं होने का रीजन क्या है बच्चों को, कि ज्यादा दिमाग ही लगाने लगते हैं। जो लड़का 20 ठिया जाता है ना उसको कभी सिलेक्शन नहीं होता, ये रूल है, उसका माइंड भटकता है। क्या बोले? जो लड़का मतलब 20 ठिया कहीं कहीं जाएगा 20 जगह, हाँ 20 जगह, अच्छा 20 टीचर के पास इधर उधर घूम रहा है, यहाँ पढ़ रहा है, वहाँ पढ़ रहा है, माइंड में एक चीज रखे कि अगर भीके गुप्ता सर है तो जहाँ डाउट है उनसे पूछिए, वो खुद क्लियर करेंगे। अब इनसे पढ़िएगा फिर खन उनसे पढ़िएगा तो उससे आपको अच्छा नहीं मिलेगा और कंफ्यूजन की रेट हो जाएगा। मान चले आपका कॉन्सेप्ट अलग है, उनका कॉन्सेप्ट अलग है, उनका बताने का शैली अलग है, इनका बताने से अलग है, तो ऐसा मत कीजिए। ऐसा करने से कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन पता चलेगा कि जाइएगा कोई क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में इधर आएगा उधर आएगा, प्रॉब्लम होगा। अभी क्या है कि अभी रिक्वायरमेंट का मेला है, जाहिर से बात है, रिक्रूटमेंट का मेला अभी, हाँ। रिक्रूटमेंट होने वाला बहुत ज्यादा जो ज्यादा है मेला है। आप इसमें अगर 20 ठिया माकिएगा मतलब इधर से उधर जाइएगा जगह पर जाइएगा, समय आपका बर्बाद होगा, समय खत्म, कंफ्यूजन होगा। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारा अलग तरीका है, उनका अलग समझाने का तरीका है, दिमाग में हमारा बात आएगा उनका बात आएगा, तो कंफ्यूजन बहुत होगा, कंफ्यूजन भी होगा, रिक्वायरमेंट भी खत्म हो जाएगा, वैकेंसी भी होल्ड हो जाएगा, तो आप फिर वहां पहुंच गए तो फिर आप तैयारी कीजिएगा 4 साल तक, नहीं ना कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, जाहिर सी बात अभी ले लेकर निकल जाइए, लेकर निकल। अच्छा 2023 जो है वैकेंसी का मेला है, स्वर्णिम काल है एकदम, गोल्डन एरा, जैसे 2018-19 था ना, जस्ट टू कॉपी 2023 होने वाला है, 2023 होने वाला, 23 के बाद फिर आपका 24-29 28 में होगा, 28 तक 2-3 साल फिर होल्ड रहेगा, होल्ड है, पंचवर्षीय सर आपको हम जोड़ा है ना, हाँ हाँ हाँ, रेलवे 14 में दिया, बिल्कुल बिल्कुल, 16 दिया एनटीपीसी, होल्ड किया ना ड्राइवर, 18 दिया, 19 दिया, फिर होल्ड किया ना 20-21-22 होल्ड किया ना, 23-24 बम्फाड़ देगा, बहुत वैकेंसी देगा वो, जिसको नहीं होना होगा उसको भी होगा। आप बिलीव कीजिएगा, एक लड़का 15 नंबर लाकर असिस्टेंट लोको पायलट में नौकरी कर रहा है, आप बिलीव कीजिएगा, 15 नंबर में हुआ है, 15 नंबर में हुआ है सर, 15 नंबर में किस में? असिस्टेंट लोको पायलट में, असिस्टेंट लोको पायलट में मात्र 15, कोई आरक्षण हो, आरक्षण था क्या? आरक्षण नहीं, ऑनलाइन एग्जाम लिया, हाँ हाँ, लड़कन सब जीके पढ़ता था, लेकिन आईटीआई के स्टूडेंट लेकिन सब जीके पढ़ा था, रेलवे का सिलेबस चेंज, अच्छा मैथ कोई पढ़ा है ये नहीं, अच्छा क्या होगा, और ऑनलाइन एग्जाम लिया तो कट ऑफ कम गया, अब वैकेंसी था 60,000 प्लस, अच्छा तो वैकेंसी आईटीआई को उसको लेकर नहीं मिला, और दूसरा प्लस पॉइंट है कि ट्रेड पास हो गया, जैसे आईटीआई जैसे इलेक्ट्रीशियन हुआ, फिटर हुआ, डीजल मैकेनिकल, तो ट्रेड पास हो गया, उसको बढ़ा के कर दिया 50 नंबर, अच्छा उसका हो गया अभी बंगलोर में ज्वाइनिंग कर लिया, अब बताइए, यही चीज तो है सर, तो आप पढ़िए, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सही बात है, जाहिर से बात है, पढ़िएगा तभी तो नसीब भी साथ देगा, आप मान लीजिए वैकेंसी आएगा कट ऑफ थोड़ा, उस सेट के लिए उसको 15 नंबर नसीब था, तब तो लाया ना, अगर वो नहीं पढ़ता तो 15 नंबर नहीं नौकरी होता उसका, नहीं होता पढ़ा तो हुआ, तो उसी पर नंबर से मतलब नहीं है, आपको बोलते हैं मैथ रीजनिंग बहुत बनाइए, जितना बनाने पाए बाकी कहीं ना कहीं हो जाएगा, इस योर बात है, कहीं ना कहीं हो जाएगा ये चीज है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग और कोई अगर एक आध बात बताना है तो बता सकते हैं, अदरवाइज सेशन को यहीं पे समाप्त क्लोज करते हैं। ओके सर, अब ठीक है, ठीक सर, क्योंकि लंबा सेशन हो जाएगा, ठीक है ना, क्लास भी है, तो आप लोग को इनका जो भी एक्सपीरियंस है ये कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ठीक है ना, और ऐसा और वीडियो चाहिए तो बताइएगा कि किस तरह का इन्फॉर्मेशन आप लोग को और चाहिए, ताकि हम उस तरह का इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तो चलिए, ओके, बाय बाय, ठीक है ना, चलिए ओके।